ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो माया जीत बन सकता है, इसलिए कुछ भी होता हमें चुप रहना है। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनता है, देवता बनता है, तो क्या हम अपने जीवन में सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। पत्थर भी सहन करते मूर्ति बनता है, तो हम सहन करते जीवन में चैतन्य देवी देवता बन जाएंगे। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा, ड्रामा को अच्छी तरह समझा, वो जीवन में सहनशील बनेगा, वो कोई भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं करेगा। इसलिए सहन शक्ति हमारे पुरुषार्थ के लिए जरूरी है, हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। आज लोगों को बता ना, कल कितनी सारी बीमारी हो रही है, चाहे डायबिटीज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सब सहन शक्ति की कमी के कारण। अगर हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। जैसे आजकल ये वायरस जो अटैक करते हैं, कहते हैं साइंस में कहा हुआ है, हमारे शरीर में रोग प्रतिगात्मक शक्ति होती है। यह शक्ति क्या काम करती है? जो बाहर के जीवाणु से वो लड़ा करके हमें अपना बचाव करती है, तो रोग प्रतिगात्मक शक्ति हमारे कौन हो गए? मित्र हो गए। लेकिन ये रोग प्रतिगात्मक शक्ति किसके अंदर होती है? जो पॉजिटिव सोचते हैं, शांत रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उसके अंदर ज्यादा होती है। जो निगेटिव सोचता है, गुस्सा करता है, आवेश में आता है, उसके अंदर के रोग प्रतिगात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। और जिसमें रोग प्रतिगात्मक शक्ति नहीं है, कोई भी छोटी छोटी बीमारी उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए बीमारियों से बचने का साधन है सहन शक्ति। पहले लोगों को बुखार आता था, पता भी नहीं चलता बुखार आया और गया भी कब, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव थी। इसलिए पहले कोई दवाई नहीं थी, कोई हॉस्पिटल में नहीं थे, लेकिन आजकल हर एक में अंदर निगेटिविटी भरी है, और निगेटिव के कारण अगर बीमारी नहीं होगी, सोच करके बीमार बनता है वो। इसलिए पॉजिटिव सोचो, जो पॉजिटिव है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए सहन शक्ति को हमें बढ़ाना है। निगेटिव वाला तो दोनों हंसता भी है, लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। निगेटिव वाला हमेशा शंकाएं, कुशंकाएं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत इसमें लगा रहता है। इसलिए पॉजिटिव से सहन शक्ति डेवलप होगी, निगेटिव से क्रोध डेवलप होगा। और जितना सहन करेंगे उतना बड़े बनेंगे। बड़ा बनना है, बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे दही बड़ा बनाते हैं, खाया दही बड़ा? यूपी में तो कब बनता है, कम बनता है शायद। दही बड़े ज्यादा पंजाब में बनते, पंजाब और हरियाणा में। हम कभी कभी किचन में माउंट आबू में भी कभी दही बड़ा बनाते हैं। तो दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, मिक्सी में पीसने के बाद उसको क्या करते हैं, गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं उसको,
पहले तो क्या करेंगे, मिक्सी में पीसेंगे, फिर आटे को फेंटते रहेंगे। कब तक फेंटते हैं उसको, ग्लास में पानी का आधा ग्लास लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बन, वो फेंटते तब तक जब तक वो पानी के ऊपर नहीं तैरता तब तक। उसके बाद गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं उसको। तो क्या क्या सहन किया, पीसा सहन किया, फेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया, फिर उसको क्या करते हैं, जब लाल बन जाता है, करारा बन जाता है, उसको क्या करते हैं, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। तेरे जैसा पालन है।